अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत देर पहले सारे काम काज हो चुके हैं, बस थोड़ी सी सफाइयाँ वगैरह बाकी है मेरी। और आज मेरा इरादा है कि मैं देखूँ प्लांट्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। दो तीन दिन से मैंने इनको देखा ही नहीं, बल्कि एक हफ्ते से मैंने इनको नहीं देखा, तो बहुत बुरा हाल हो गया है इनका। तो आज मैं देखती हूँ वरना ये बेचारे ख़राब हो जाएंगे सारे। और मासी सफाई करके जा चुकी हूँ, मुझे थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करनी है। और आज हूँ मैं घर पे, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि कल शूट था, सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशान वो मतलब बिजी रही। और कल कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया बिल्कुल भी, कल का दिन सारा दिन ऐसे ही हो गया काम करते करते। तो आज फिलहाल घर में हूँ और फिर कल फिर शूट पर जाना है, तो बस फिर ब्राइडल शूट है तो बस उसके लिए जाना है, मेकअप वगैरह के लिए, तो बस फिर उसके लिए जाऊँगी कल। तो आज सारा दिन घर को देना है, और आधे कपड़े जो तय कर दिए थे धुले थे और आधे कपड़े बाद में उतारे, तो वो भी सारे पड़े हुए हैं, वो भी सारे देखने हैं आज मुझे। रूम का अभी फिलहाल सोकर देर से उठे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने प्लांट जो मेरा होशियार हो रहा है। ये गैलरी खुल नहीं रही थी ना बिल्कुल, तो इतनी ख़राब हो गई थी, जल्दी से इसको साफ कर लेती हूँ। और आज प्लांट्स को भी देखूंगी, थोड़ा सा पानी वानी डालूँ, बेचारे सूख गए बहुत ज़्यादा। चीज़ को एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और मुझे तो वैसे ही इतना कम टाइम होता है कि बच्चों को और घर को देख लेती हूँ। जाहिर सी बात है यही काम के साथ साथ तो बहुत बड़ी बात है, और प्लांट्स बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि प्लांट्स को भी देखूंगी वरना ये खराब हो जाएंगे, इतनी मुश्किल से तो सारे बड़े हैं। क्या काम है मुझसे? बिरयानी चाहिए? दे दो, एक मिनट दे रही हूँ बेटा। गाइस मैंने अभी थोड़ी सी जो ना सिर्फ पानी डाल दिया है, और मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना सफाई से पूरा धोया नहीं है, क्योंकि ना नीचे वालों का आउटर वगैरह रखा हुआ है ना उस पर पानी जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा ऐसा ना उनको परेशानी हो। तो सुबह के सुबह धोती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है, सुबह मासी आएगी तो फिर उससे धुलवाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने पानी डाल दिया प्लांट्स में, सूख रहे थे बेचारे। और एक तो सर्दी भी हो रही है ना, तो सर्दी का मौसम हो गया तो ये हमारा हालात इतना खुश्क हो रहा है, तो फिर इसका क्यों नहीं होगा। और अभी हो गई है असर की अजान, तो मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए असर की, फिर नमाज पढ़ के मिलती हूँ। सुबह से पता नहीं क्या हो गया आयत को कि कुछ भी नहीं खा रही, इसको बिरयानी दी, अंडा दिया, कुछ भी नहीं खाया इसने, पता नहीं क्यों नहीं खाया, समझ में नहीं आ रहा। आयो अपनी बिरयानी क्यों नहीं खा रही? देखिए पूरी भरी हुई रखी हुई लेकिन ये नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही बेटा? बिरयानी खा रहे ना, बिरयानी खा लें आप, पता नहीं क्या मस्ती कर रही है।
अब इसकी बिरयानी मुझे खानी पड़ेगी। मम्मा आपकी बिरयानी खा लेंगी वरना आप खा लें। किचन में शाम का खाने के लिए जो कि बहुत जरूरी है, और अभी मैं बना रही हूँ आलू का भुर्ता। आजकल रूटीन जो है ना, बस पता नहीं समझ में नहीं आ रही कुछ कि क्या चल रही है क्या नहीं, बस जो काम हाथ लगता है वही करना शुरू कर देती हूँ। अभी फिलहाल बहुत देर से मगरिब की नमाज पढ़ी फिर बैठ गई, फिर अब सोचा कि खाना बना लेती हूँ तो आलू का भुर्ता बना रही हूँ, जो कि बहुत दिन बाद बना रही हूँ और मुझे बहुत 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 पसंद है आलू का भुर्ता। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस को आलू का भुर्ता पसंद है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, वो बहुत चटपटा सा हो जिसमें इमली इमली डली हुई हो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी वो ही बना रही हूँ। आलू बॉयल आज हो जाए तो मैं पहले हमेशा प्याज पहले डालती हूँ भुनते में ना, जब मसाला भुनते में, लेकिन इस बार मैं अभी फिलहाल जो है ना देर से डालने वाली हूँ, लास्ट में डालूंगी प्याज, क्योंकि दम पे डालूंगी, क्योंकि आयान को नहीं पसंद कि वो प्याज के साथ खाएगा, तो इसलिए उसके लिए अलग से बनाऊंगी। तो गाइस फिलहाल मेरा बन गया है भुर्ता और रोटियां आ जाए तो बस बस खाना खाएंगे। नान मंगवाए, नान के साथ खाऊंगी आलू का भुर्ता, क्योंकि जो है ना नान के साथ ही अच्छा लगता है आलू का भुर्ता। आयान अपनी बिरयानी खा चुकी, अगर खाएगी तो आलू का भुर्ता खा लेगी, वैसे तो वो खाएगी नहीं। और आयान का अलग से प्याज के बगैर मैंने भुर्ता बनाया है, और हम लोगों का प्याज के साथ होगा जो इमरानों में खा लेगी। तो बहुत भूख लग रही है इस वक्त, और जब भुर्ता बनता है तो मुझे ऑलरेडी भूख लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आलू का भुर्ता, इसलिए भी। तो भुर्ता हो गया है रेडी, देखिए कितना मजेदार लग रहा है ना, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अभी आ गया है मेरा खाना मजेदार सा, गाइस मैं खाना खाने के बाद सो गई थी, अभी सोकर उठी हूँ। तो यहाँ आ गई है मेरी चाय, और आप देख रहे होंगे मैं बहुत दिनों बाद अपनी चाय दिखा रही हूँ। तकरीबन देर से बनाती हूँ रोजाना चाय, तो इसलिए जो है ना फिर वीडियो नहीं बना पाती। तो बस खाना खाने के बाद सो गई थी, अभी सोकर उठी हूँ, तो ये तो मेरा उठने का टाइम हुआ है। तो बस सारा दिन की जो रूटीन थी आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।